और तुम मुझे ऐसे करती हो, तुमने मुझे बातें सुनाई। किसने बातें सुनाई? मैं तो नहीं सुनाई। चले जी, शुक्रिया। अब फिर मैं जाता हूँ, किरण इधर ही रहेगी 2-3 दिन जब तक क्लासेस हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा आपसे रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई आज मौसम देखें और आसमान का कलर देखें, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर लग रहा है, बिल्कुल ब्लू कलर है और कोई एक भी बादल आसमान पे आज नहीं घूम रहा। मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया है। थोड़ी बहुत अभी धूप की तो शिद्दत है, लेकिन जो जो टाइम आगे बढ़ता जाता है, सेकंड टाइम होता है तो मौसम अच्छा होता जाता है और ऐसे लगता है जैसे सर्दी आने वाली है, सर्दियों वाली फील आती है। तो इंशाल्लाह जल्दी मौसम जो है ना बेहतर हो जाएगा यहाँ पर। आजकल वैसे मौसम बेहतर ही चल रहा है क्योंकि बारिशें वगैरह हुई हैं तो कोई इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत हबस वगैरह होती है। तो अभी भाई आप देख रहे होंगे तैयार होकर खड़ा हूँ, और वैसे तो मैंने जाना था किरण को सिटी छोड़ने के लिए, वहाँ गाड़ी पे बिठाना था क्योंकि उसने मैके की तरफ जाना है और क्लासेस वगैरह भी लेनी है, लेकिन अभी तक मैंने उसको ये नहीं बताया कि मैं भी उसके साथ जाने लगा हूँ। और गाड़ी भी मैंने बुक करवा ली है, गाड़ी वाला तकरीबन आने वाला ही होगा, 10 बजे का उसको टाइम मैंने दिया था, तो 10 जो है ना बजने वाले हैं, तो उम्मीद है कि वो आ गया होगा, भाई मुनव्वर के पास दुकान पे बैठा होगा। तो मैंने किरण को अभी तक नहीं बताया था, एंड टाइम मैं किरण को बताऊंगा कि मैं भी उसके साथ जाने वाला हूँ, तो उसका रिएक्शन चेक करेंगे। अभी वो तैयारी शारी खुद कर रही है, तो अभी वो तैयारी कर लेती है तो फिर उसको बताऊँगा कि मैं तो भाई साथ ही जाना है, तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं जा रहा, तो उसका रिएक्शन चेक करेंगे। और इधर पोपी, पोपी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। पोपी चलो 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 खेलो, इधर ही खेलो, चलो चलो शाबाश। चले जी अभी देखते हैं, किरण ने तैयारी शारी कर ली है नहीं की, और इधर मैं चाय बना रहा था, ये अभी तक गर्म करने वाली है, पहले मैंने चाय बना दी है क्योंकि किरण तैयारी कर रही थी तो हमने चाय मिल गई पीनी थी। अभी इसको गर्म कर लेता हूँ, किरण को भी देता हूँ और खुद भी पीता हूँ, और उसको ये न्यूज़ भी सुनाता हूँ कि मैं भी उसके साथ हूँ और गाड़ी की बुकिंग भी करवा ली है। मैं साथ जाऊँगा ना तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे जो कल हमारी अनबन बनी थी। जाने पे कोई इतना ज़्यादा वैसे इशू नहीं था, बस वैसे ही ना मेरा दिल नहीं कर रहा था कि किरण यहाँ से जाए, अकेला सा फील करता हूँ घर में, तो इसलिए मैं कहता था चलो छुट्टियाँ जो है ना मेरे साथ ही गुजारे, जब स्कूल खुल जाएंगे तो फिर उसको छोड़ता जाऊँगा, लेकिन फिर आज संडे है तो मैं खुद भी साथ चल रहा हूँ, मेरा दिन भी अच्छा गुजर जाएगा साथ और उसका भी दिन भी अच्छा गुजर जाएगा और सब वहाँ पे भी खुश हो जाएंगे, किरण भी खुश हो जाएगी। तो चले भाई, चाय हमारी गर्म हो चुकी है। ये जी तुम्हारे लिए चाय, और तैयार हो गई हो? चाय बना ली अभी, वही जल्दी-जल्दी कर दी मैंने, चाय बनाती। मैंने खुद बना दी है तुम्हारे लिए चाय, चेक करो भाई चाय आ गई तुम्हारी, साथ में कोई बिस्कुट शिस्कुट हो जाए। अच्छा चाय पियो जल्दी जल्दी। और तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज़ वो ये कि मैं तुम्हें सिर्फ छोड़ने ही नहीं जा रहा बल्कि तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। अपने ससुराल, तुम्हें कोई मसला है? सच्ची? हाँ। ये अचानक से कैसे समझ आया वो? यार तुम्हें एक दफा उदास कर दिया था ना, मैं कहा इधर अम्मा जी भी आ गए, गड्डी आ गई है। अम्मा जी कह रही है गड्डी आ गई ने। गड्डी की बुकिंग भी मैंने करवाई हुई थी। हाँ सीरियसली, मैं तैयार हो रही थी, मुंह बना के मैंने कहा जाना है खुद ही, अकेले ही रुलना है। नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ रुलने के लिए तैयार हूँ आज। उधर भी बता दो कि मैं आ रहा हूँ। अच्छा। अब धोखा नहीं करूंगा। यार पहले वो ना मेरा दिल कर रहा था कि तुम इधर ही रहो, तुम्हें पता है शायद तुम फील करती हो कि जब तुम चली जाती हो तो मैं उदास हो जाता हूँ, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता घर में, बाकी है सब घर में एक रूटीन बनी हुई है कि तुम्हारे साथ एक साल से ऊपर टाइम हो गया, फिर जो है ना मैं बोर हो जाता हूँ अकेला, ऐसे दीवारों में टकरे मारता फिर रहा होता हूँ। अकेला कभी इधर घूम रहा होता हूँ, कभी उधर जा रहा होता हूँ, कभी इधर कभी कभी इधर, तो ऐसे ना अजीब सा टाइम मेरा गुजरता है। तो मैं सोच रहा था कि शायद तुम ये खुद फील कर लोगी, तुम कहोगी कि नहीं इधर ही रह लेती हूँ, लेकिन पता नहीं तुमने भी फील नहीं किया यार। हाँ जानना तो होता है, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं जो है ना जिद पे आ गया हूँ, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा रहा, या वो जिद्दी हस्बैंड होते हैं या वो टिपिकल, वो मेरा मकसद नहीं था। जब मैं मुझे फील होता है कि तुम्हें जाने की ज़रूरत है
मैं ऐसे गाड़ी बुक करवा के भी ले जाता हूँ। तुम्हें पता पहले भी एक दफ़ा गाड़ी घर पे नहीं थी तो मैंने बुक करवा ली थी तुम्हें सिर्फ छोड़ने के लिए कि तुम्हारा दिल उदास ना हो। और तुम मुझे ऐसे कहती हो, तुमने मुझे बातें सुनाई। किसने बातें सुनाई? मैंने तो नहीं सुनाई थी। चलो फिर हाँ जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ और उनको भी बता दो। बता दो ना। हाँ बता दो। हाँ हाँ सीरियस कह रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ कसम। इधर अम्मा जी भी आ गई हैं। तो भाई जैसे आपने कहा था ना, मैं छोड़ने के लिए खुद जा रहा हूँ। हाँ, मैं कहना भाई ससुराल वाले भी खुश हो जासे, किरण भी खुश हो जासे, अम्मा भी खुश हो जासे। अच्छा मैं क्या अम्मा पता गुस्सा कर वाजे। चलो जी माशाल्लाह जी। ते गड्डी शड्डी असि बुला लेंगे। ते घर दा मुण ख्याल रखिया है, सोलर शोलर बंद कराया टाइम ते फ्रिज भी। जिस टाइम शाम हो गए असि फिर निकलने आ। टाइम कितना हो गया जी? तकरीबन 11:50 हो गया। मैं वापिस आ जासा छोड़ के, मैं नहीं रहंदा, मैं सुबह स्कूल ही ते जाना। ते चलिए फिर असि। ठीक हो जी, बैग फिर तू पैक हो गया है, एक दफा तो खाली करा छोड़े। सफर हमारा माशाल्लाह शुरू हो चुका है। गांव से हम अपने निकल चुके हैं और तकरीबन 11:10 हो गए हैं। हम मेरे ख्याल में कोई 12:30 के लगभग जो है ना पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। इधर किरण भी खाने शाने का बोल दिया है ना, दामाद प्रोटोकॉल के साथ। और ये इधर हैं जी शेर अली भाई, इनकी गाड़ी मुझे वैसे बड़ी पसंद आ गई है ये वाली। मैं भी आजकल लेने का सोच रहा हूँ ना, तो गाड़ियों पे मेरी नजर होती है तो इनसे मैंने वैसे पूछा है। ये है वैगन आर, बड़ी नीट एंड क्लीन, 2016 मॉडल है ना। 2016 मॉडल है। आवाज नहीं आ रही, मुझे तो बड़ी पसंद आई इनकी गाड़ी। कोई सेकंड हैंड मैं भी इस तरह की देख लूँ, हमारा गुजारा भी अच्छा चल जाएगा। अच्छा भैया अभी रास्ते में जा रहे थे तो ये वाला पॉइंट आ गया। यहाँ पे हम पहले भी रुकते होते हैं और आज भी रुके हैं, अपनी रिवायत को कायम रखा है हमने। कहा भाई यहाँ से जूस शूस कुछ रिफ्रेशमेंट हो जाए, शकरकंदी वगैरह यहाँ पे अक्सर मिलती होती है तो अभी भी हाँ जूस इनका बड़ा मज़े का होता है। तो अभी हमने ऑर्डर किया है और किरण अभी मौसमी भी खा रही है और मेरे दांत में भी मौसमी फंसा हुआ है। तो मौसमी का ऑर्डर किया है, 3 गिलास ऑर्डर किए हैं हमारे साथ, क्योंकि ड्राइवर भाई भी हैं तो उनको भी जूस पिलाएँगे और साथ में शकरकंदी। आजकल वैसे बाज़ार में मौसमी देखे तो कभी नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि मौसमी भी हमारे पास आ गए हैं। क्या बोलते हैं, शकरी? शकरी 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 बोलते हैं इसको, मौसमी की टाइप है कोई। इधर साथ में गर्मा वो रहे ग्रेप फ्रूट। लें जी माशाल्लाह मग भर के, बड़े वाला तैयार हो चुका है जूस, खालिस जूस आंखों के सामने। लो जी एक एक दोनों पकड़ रही हो। हाँ जी टेस्ट करो कैसा है। ओके जी शकरकंदी भी आ गई, पकड़ो इसको और एंजॉय करो, मजे करो आज हमारे जीते जी, क्या याद करोगी है। अच्छा भैया अभी यहाँ से लेने लगा हूँ फ्रूट, यहाँ अंगूर भी पड़े हैं, अभी 2 किलो सेब। आड़ू किस तरह? 250 रुपये किलो आड़ू ही दे दियो। काफी है फ्रूट्स, ये सेब आड़ू और साथ में केले। ले जी फाइनली घर पहुंच चुके हैं, सामान उठा लो।
पहुंच चुके हैं और मिल मिला भी लिया है सबने और अब खाने के बारे भी आ चुकी है, तो चलें जी खाना शुरू करते हैं। काफी देर रेस्ट किया, खाना शाना खाया, गप्पे शप्पे मारी हैं, सारे गिले शिकवे किए हैं। यही पूछना है कि अब भाई आप लोग खुश हो या नहीं। लास्ट टाइम हमने आना था, हमारा प्लान बना हुआ था, मौसम की जो है ना वो डिस्टरबेंस थी जिसकी वजह से ना हम नहीं आ सके, तो उसके लिए भी हम माजरत करते हैं, लेकिन आज मैं खुद छोड़ने आया हूँ और सारे गिले शिकवे जो है ना दूर करने आया हूँ। दमाद के सामने तो नहीं बोलेंगे ना कि हाँ गिले शिकवे पे। नहीं भाई, जो गिले शिकवे करने नहीं सामने करो। चले जी शुक्रिया, अब फिर मैं जाता हूँ, किरण इधर ही रहेगी 2-3 दिन जब तक क्लासेस है। वापसी का हमारा सफर स्टार्ट हो चुका है, तकरीबन अभी 4:35 हो चुके हैं, हम कमालिया से निकले हैं, घर पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो जाएगी। वैसे आज मेरा प्लान है, इस तरफ अक्सर आता जाता हूँ ना, तो भाई पौधे रास्ते में बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं, तो वहाँ से पौधे भी लेने हैं, शायद वहाँ पर रुकूँ, अगर पौधे पसंद आए तो इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे वहाँ से। तो भाई अभी नर्सरी पहुँच चुका हूँ, यहाँ से पहले भी मैं पौधे ले जाता हूँ, जब भी आता हूँ कोशिश होती है कि यहाँ से कुछ ना कुछ पौधे ले के जाऊँ। ये तो भाई लगे हुए हैं ऑलरेडी, वो नया पौधा मुझे नज़र आ रहा है, ये भी घर में नहीं लगे हुए। जो बेलें हैं ना ये भी दीवार के साथ भाई लगाई जा सकती हैं, मज़ीद 2 ऑलरेडी लगी हुई हैं। पहले एक दफ़ा जो है ना नर्सरी का विज़िट कर लेते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है हमें। ये चेक करें जी, ये पौधा माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, लेकिन सच में महंगा बहुत है और ले जाना भी इसको मुश्किल है। देखना गमला भी बहुत बड़ा है और पौधा भी बहुत बड़ा है, ये छोटे हैं, शायद ये हम लेके जा सकें, पता करते हैं इनसे। गहमा गहमी है पौधों की, क्योंकि भाई आपको पता है इस मौसम में बहुत ग्रोथ होती है पौधों की। ये देखें, ये वही पीछे जो आपको मैं दिखा रहा था, बड़ा खूबसूरत वैसे ये वाला पौधा बनता है, ये चेक करें ज़रा। ये पता नहीं किस चीज़ का पौधा है, लग तो काफ़ी खूबसूरत रहा है ये भी। चलें भाई किसी एक को बुलाते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनसे रेट्स वगैरह भी पूछते हैं और पौधे भी लेते हैं 2-4। किस चीज़ का पौधा? लैजिस्टोनिया। हाँ जी, मतलब गमले च ही लगा रहा जाता यार, बाहर भी लाश गिंदा गमले ही लगा रहा। कितना बड़ा पौधा होता है? पौधा बनने बड़े गमले ला लें, जमीन में लगा लेंगे। अच्छा, मतलब बड़ा पौधा बन जाता है। ये कितने का एक पौधा? ये 500 रुपए का। ये किस चीज का पौधा? ये नरगस। ये कितने का पौधा? ये 350। इस पौधे का नाम की है? कंगी पाम। ये कितने का? ये 800 रुपए का। आ छोटे वाला काफी महंगा है यार। 3 पौधे मैंने ले लिए हैं जी, एक अभी ये भाई लेके जा रहे हैं, 2 मैंने गाड़ी में रखवा दी ऑलरेडी। और भाई आजकल के पौधे जो है ना वो भी महंगे हो गए हैं, 800-800 का पौधा, 1000-1000 रुपए का पौधा है भाई नॉर्मली यहाँ पे। ये चेक करें, ये मैंने रखवा दिया। यहाँ पे ज़रा सूरज का एंगल चेक करें, कितना बड़ा सूरज आगे नज़र आ रहा है, मेरी आंखें जो है ना चुंदे आ रही हैं यहाँ। भाई मौसम ज़रा क्लियर हो गया ना तो देखें, सूरज ऐसे लग रहा है जैसे शीशा तोड़ के गाड़ी में घुसने लगा है, इतनी ज़्यादा इसकी चमक है ना। कैमरे में तो वो चमक नहीं नजर आ रही, लेकिन हमारी आंखों में जो चमक पड़ रही है ना, सामने रोड ही नहीं सही तरह नजर आ रहा हमें। बारिशें वगैरह हुई हैं जिनकी वजह से ना डस्ट वगैरह जो माहौल में थी वो धुल गई है, आसमान ऊपर क्लियर हो गया है, तो जिसकी वजह से अब रोशनी की शिद्दत जो है ना वो ज्यादा हो गई है। ये पौधे मैंने उतार लिए, ये देखे माशाल्लाह बड़े प्यारे पौधे हैं ये वाले। ये वाला तो भाई मैं अंदर रखूंगा, मनी प्लांट बोलते हैं इसको, और इसके साथ ऐसे डंडा लगा के ना ऐसे ऊपर इसको खड़ा किया जाता है। और ये है कंगी पाम, अभी तो छोटा पौधा है लेकिन फिर भी जो है ना गमले के हिसाब से इसकी जो है ना हाइट काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद इस पौधे का अभी तक मुझे नाम याद नहीं हुआ, लेकिन इसके ऊपर ये देखें वाइट फूल लग रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत है। इधर अम्मा जी कुकिंग कर रही हैं। हाँ जी भाई, आ गए हूँ सही सलामत, और इन नौ को भी सही सलामत छोड़ दिया जी। हाँ जी, हाँ जी ठीक हाँ, तो खुशी बड़े हो रहे हैं। हाँ जी बिस्दा का तो आप आ गया चलो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं भी फिर उनकी खुशी के लिए गया हूँ। हाँ तो अभी भाई शाम हो चुकी है, तो आज की वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं। कोई और गल है? अच्छा मैं देख लो तीन, मैं क्या शायद कोई और गल है तो मुझे बाद में एंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो तक इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।